नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। मेरा राज्य मेरा देश में आज अगले एक घंटे तक देखेंगे आप हमारे साथ देश के तमाम राज्यों से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर। हिंदुस्तान में कोरोना से मचे हाहाकार से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं, चीन ने भारत को एक बार फिर धोखा दिया है, मदद का वादा करके चीन ने फिर फरेब किया है भारत के साथ। चीनी सरकारी विमान कंपनी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो फ्लाइट्स को अगले 15 दिनों तक के लिए रोक दिया है, चीन ने भारत के साथ एक बार फिर से फरेब किया है। भारत के लिए कार्गो फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई, विमानों के जरिए भारत तक मदद पहुंचानी थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की जा रही थी विमानों के जरिए, लेकिन अब नहीं हो पाएगी। मेडिकल उपकरणों के दाम भी 30-40% बढ़ा दिए हैं चीन ने। और ये वक्त ऐसा है जब इन चीजों की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। कार्गो विमान दरअसल मालवाहक विमान होते हैं जिससे कि सामान इधर से उधर ले जाया जा सकता है, और ऐसे में इसी पर रोक चीन ने लगा दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए लोगों को पकड़ा गया है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है। दरअसल 4,800 का इंजेक्शन 20,000 रुपए में ये बेच रहे थे, रैपर शीशियां और 81,000 रुपए कैश इनके पास से बरामद किया है। तो पुलिस लगातार ऐसे लोगों तक भी पहुंच रही है जो कालाबाजारी करने से इस वक्त भी बाज नहीं आ रहे हैं, और इसी कड़ी में यहाँ लखनऊ कमिश्नरेट ने 5 लोगों को पकड़ा है जो 4,800 का जो इंजेक्शन था वो 20,000 रुपए में बेच रहे थे जरूरतमंदों को। और दिल्ली के डीडीओ अस्पताल को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है, और इस वजह से बाकी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को काफी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। मौके पर हमारे सहयोगी मनोहर वैष्णवी मौजूद थे जिन्होंने जायजा लिया, उनकी ये खास रिपोर्ट देखिए। जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना विकराल रूप लेकर के जिस तरीके से मरीजों की तादाद लगातार जो बढ़ रही है, उसको देखते हुए हर हॉस्पिटल अलग अलग इंतजाम करते हुए नजर आए, लेकिन व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, माकूल नहीं है, कई अस्पतालों की स्थिति खराब है। हम यहाँ पर फिलहाल जो दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, यहाँ पर कोरोना का पेशेंट के लिए ये केवल डेडिकेट कर दिया गया हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से अन्य जो दूसरे पेशेंट है उनके लिए यहाँ पर एक बिल्कुल परेशानी का सबब बना हुआ है, और किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला आपको देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये अपने बच्चे का पैर है जो टूटा हुआ उसको ठीक करवाने के लिए आ रही है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से ये जो यहाँ सिक्योरिटी है वो सब मना कर दे रहे हैं कि ये केवल कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, यहाँ पर किसी तरीके से कोई दूसरी ओपीडी नहीं है। बच्चे का बाउंड्री भी हो गया, उस पर टूट गया, बच्चे का कोई कमियाब नहीं है, न दीनदयाल ले रहा है, न गुरु गोविंद ले रहा है, न एम्स ले रहा है, बच्चे के हम दिखाएंगे कहाँ। हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि कोरोना वाला भर्ती है, कहाँ केजरीवाल सरकार सुविधा करा दिल्ली के लिए, सारे यहाँ बाउंड्री के कंपनी वंपनी सारा बंद करके सारा का बैठा दिया, दे रहा है पैसा सबके अकाउंट में खाए लगी, ये दे रहा है सुविधा कोई चीज के लिए, हमारा बच्चा मर जाएगा तो इसी सबके पास आएंगे। अन्य जो बीमारी है उनको लेकर के किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो दिल्ली प्रशासन जिस तरीके से जो एक दावा कर रहे हैं अपने तमाम जो मरीजों के लिए की सुविधाओं के लिए, तो वो खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी लेखराज के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। और कोरोना वायरस पर रिसर्च से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिक का कोरोना पर बड़ा दावा, कोरोना वायरस को हरा सकता है सर्दी जुकाम का वायरस। रिसर्च ये बताती है जिन लोगों को सर्दी जुकाम हुआ उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, ये रिसर्च कह रही है। रिसर्च से जुड़े डॉक्टर पाब्लो म्यूरिका का कोरोना वायरस पर यह बड़ा दावा है कि जिन्हें भी सर्दी जुकाम का वायरस है कोरोना वायरस को वो मात दे सकता है, सक्षम है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बातें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना को हराएगा जुकाम का वायरस, दरअसल ये एक रिपोर्ट कह रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिक का ये बड़ा दावा, जहां रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को सर्दी जुकाम का वायरस शिकस्त दे सकता है, यानी कि जिन्हें सर्दी जुकाम हुआ है उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, ये इस रिसर्च के मुताबिक बातें कही जा रही हैं। तो देखिए, अगर ये रिसर्च सही है तो हम कोरोना वायरस को हरा भी सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों का ये दावा है। दावा ये कहता है कि कोरोना वायरस को सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार वायरस से हराया जा सकता है। देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
गया, मेरा आदमी खत्म हो गए। कोरोना वायरस को मारेगा सर्दी जुकाम का वायरस। क्या कोरोना वायरस को सर्दी जुकाम का वायरस मार सकता है? अगर वाकई में ये सच है तो क्या वायरस के खिलाफ वायरस को उतारा जा सकता है? पिछले 1.5 साल में दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर किसी से छिपा नहीं है, लेकिन इसी बीच जिस तरह से कोरोना वायरस के खिलाफ सर्दी जुकाम के वायरस को कारगर माना जा रहा है, वो रिसर्च वाकई चौंकाने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों का कहना है कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस कोरोना को हरा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस इंसान के शरीर से कोरोना वायरस को बाहर निकाल सकता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो इंसानी शरीर को संक्रमित करने के लिए दूसरे वायरस से लड़ते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम वाला वायरस भी कुछ ऐसा ही करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेदार राइनो वायरस कोरोना वायरस को हरा सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि भले ही राइनो वायरस से होने वाला फायदा थोड़ी देर के लिए रहे, लेकिन ये इंसानी शरीर में इस कदर फैल जाता है कि इससे कोरोना वायरस के असर को कम करने में मदद मिल सकती है। रिसर्च में कही गई बातें रिसर्च से हासिल होने वाले सामान्य नतीजे हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान पर इसका एक जैसा प्रभाव हो। यानी इन बातों का ये मतलब कतई नहीं कि जिन्हें सर्दी जुकाम है या पहले हो गया है वो अब कोरोना से सुरक्षित हो गए हैं। साथ ही ये तय करना हमारा नहीं बल्कि डॉक्टर का काम है कि कौन से लक्षण कोरोना के हैं और कौन से सर्दी जुकाम के। इसलिए इस रिसर्च के नतीजों को सोच समझ कर ग्रहण करें। हालांकि रिसर्च से जुड़े डॉक्टर पाब्लो म्यूरिका के मुताबिक राइनो वायरस सार्स COV2 के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, ये इसे बुरी तरह बाहर धकेल देता है। डॉक्टर पाब्लो म्यूरिका का दावा है ये प्रयोग बहुत उत्साहवर्धक है, क्योंकि अगर इंसान के शरीर में राइनो वायरस का अच्छा खासा प्रभाव है तो ये कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक सकता है। ऐसे प्रयोग और ऐसे असर अतीत में भी देखे जा चुके हैं। माना जाता है कि राइनो वायरस संक्रमण के कारण साल 2009 में यूरोप के कई हिस्से स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से बच गए। ताजा शोध में ये भी पता चला है कि राइनो वायरस से संक्रमित कोशिकाएं ऐसे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे रही थी जिससे सार्स COV2 की संक्रामक क्षमता कमजोर हो रही थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि राइनो वायरस की गैर मौजूदगी में कोरोना वायरस सामान्य रूप से सक्रिय होता है। अगर वैज्ञानिकों का दावा सही है तो क्या ये समझा जा सकता है कि जो लोग कोरोना मरीज से जंग लड़ रहे हैं उन्हें जुकाम के वायरस से बचाया जा सकता है? लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर पाल्बो का मानना है कि टीकाकरण, साफ सफाई और राइनो वायरस ये सब मिलकर कोरोना वायरस का असर काफी कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर वैक्सीन से ही होगा। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है ठीक उसी तरह से वायरस के खिलाफ वायरस को लड़ाने की कोशिश हो रही है। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब मानव जाति को बचाने के लिए हमें वायरस युद्ध में उतरना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो इसके नतीजे कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पंजाब के पटियाला में कोरोना का महा विस्फोट हुआ। बीते 24 घंटे में कोरोना से 30 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया, तो जिला अस्पताल में मोर्चरी में शवों को रखने के लिए भी जगह कम पड़ गई है। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 7 रेमडेसिविर वैक्सीन बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी अलग अलग मेडिकल शॉप चलाते थे। आरोपी 50,000 से ज्यादा एक लाख रुपए तक में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेच रहे थे। आरोपी अभी तक 100 से ज्यादा इंजेक्शन की कालाबाजारी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 कर्मी और जूनियर छात्र को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मजबूर बेटे ने पिता के शव को कार के ऊपर रखकर शमशान ले गया, जहां कोरोना से मौत के चलते पड़ोसी और परिजन भी मौके पर नहीं पहुंचे।
उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना के केस में बढ़ोतरी के बाद अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी हो रही है। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजन मरीजों को साइकिल रिक्शा पर अस्पताल ले जाने को मजबूर। बिहार के दरभंगा में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। कोरोना से भारी संख्या में मौत के बाद दरभंगा के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए शवों की लंबी कतारें। झारखंड के रांची शहर में जेल में बंद लालू यादव के जेल से बाहर आने पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। लालू यादव अब 2 मई तक जेल में ही रहेंगे। लालू को 17 अप्रैल को ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कोरोना के कारण झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को न्यायिक कार्यों से दूर रहने का निर्देश दिया था। राजस्थान के कोटपुतली में बीडीएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। वेंटिलेटर की कमी के चलते रोजाना मरीज मर रहे हैं, लेकिन प्रशासन 17 वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल नहीं कर पाया है। हरियाणा के हिसार में ऑक्सीजन की कमी के कारण प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कोरोना के 5 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पंजाब और एक दिल्ली का मरीज है। वहीं ऑक्सीजन की कमी के कारण हुए मौत की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना से मौतों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। वजीराबाद शमशान घाट पर शवों की लंबी लंबी लाइनें इस वक्त लगी हुई हैं और शवों के लाए जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। वजीराबाद शमशान घाट पर पहुंचने वाले लोग अपनों के जाने से निराश भी हैं और सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा भी हैं। जी मीडिया संवाददाता हितेन ने यहां की भयावह तस्वीरें भेजी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, शमशान में शवों के लिए भी अब जगह नहीं बची है। ये देखिए कितने शव आप देखेंगे एक साथ लाइन में, प्रिया आपको यहाँ पर जो है रखे हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए कितने घंटों से ये इंतजार कर रहे होंगे कि आदमी जीते जी तो खैर सारी मुसीबतों का सामना कर रहा था, अब मरने के बाद शवों को भी जो है कहीं ना कहीं जगह नहीं मिल रही है। कितने शव रखे हुए वो आप देखते रहिए। कब आएगा नंबर? जी नंबर पता नहीं है जी। 8वीं लाश यहाँ पिस रही है, एक और शव जो है वो आ रहा है। यानी कि आप सोचिए कि क्या हाल है। आपने पिछले साल भी यही कंडीशन देखी थी। आपने पिछले साल 8 महीने पहले, मुझे याद है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि दिल्ली के हर एक व्यक्ति को मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाऊंगा, इतना ऑक्सीजन दिल्ली में मौजूद है, किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर एक साल के अंदर ये दिक्कतें क्यों हो रही है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन संकट के बीच इस वक्त एक अच्छी खबर, दुबई से थोड़ी देर में क्रायोजेनिक कंटेनर पहुंच जाएंगे। 6 की संख्या में ये पहुंच रहे हैं। 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर भारत पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे का वक्त दिया गया, यानी कि अब से 20 मिनट के बाद ये पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल के पानागढ़ आएंगे। ये वायुसेना के C-17 विमान से पहुंचेंगे 6 कंटेनर्स। कुल 6 कंटेनर्स यहाँ पर पहुंचेंगे और दुबई से भारत ये रवाना हुए। और देखिए, ये अच्छी खबर सामने आ रही है कि यहाँ भारत को इस वक्त जरूरत है और तमाम देश भारत के लिए मदद का हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। 6 क्रायोजेनिक कंटेनर्स पहुंचने वाले हैं। कल 6 और कंटेनर्स जो हैं वो दुबई से भारत आ रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कमी जो लगातार भारत के लोगों को झेलनी पड़ रही थी, खासतौर पर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को, उस कमी को दूर करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। उन कोशिशों का नतीजा ये रहा कि अब विदेशों से भी मदद के हाथ बढ़े हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, इन तमाम देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी का नतीजा है कि अब लगातार भारत में ऑक्सीजन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन जो है वो भारत पहुंच रही है। और यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस 25,000 साल से इंसानों को मार रहा है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च से दावा किया कि कोरोना पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों को मौत के घाट उतारता रहा है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला समझाते हैं। पच्चीस हजार साल का कोरोना राक्षस इंसानों का घातक शिकारी बना कोरोना। भारत में मौत का तांडव चल रहा है।
लगभग 25,000 से 3,000 लोग रोजाना कोरोना वायरस की वजह से मारे जा रहे हैं। शमशान घाट लाशें जलाते जलाते भट्टी बन चुके हैं, जबकि कब्रिस्तान में जनाजों को दफन करने के लिए जमीन ही खत्म होती जा रही है। मैंने ऐसा कहीं नहीं है, अपोलो बपोलो गंगारा वंगारा, मैंने सब जगह धक्के खाए, मेरे पापा को कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, इस चक्कर में मेरे पापा चले गए, मेरे को छोड़ गए पीछे। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती, डेड बॉडी जलाने के लिए, उठाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए हर जगह आदमी परेशान। भारत के साथ पूरी दुनिया देश में कोरोना की ऐसी तबाही देख कर दंग है। सिर्फ अप्रैल महीने में ही कोरोना वायरस ने शहर शहर मरघट बना दिए हैं। सामूहिक दाह संस्कार और एक साथ दर्जनों जलती चिताएं साफ दिखा रही हैं कि कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए मौत की सुनामी साबित हो रही है। कोरोना वायरस की इस तांडव के बीच कुछ रिसर्च में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस 25,000 साल से इंसानों का शिकार कर रहा है, यानी साल 2021 में जिस तरह से कोरोना की वजह से भारत के अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, उसके पीछे राक्षस बना कोरोना वायरस जो हजारों साल से इंसानों की जान लेता आ रहा है। जो बैठे ऊपर सरकार बैठे ना, हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो, ना तो रोडों पे ना यही हाल मिलेगा, रोडों पे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, मम्मी को जो ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बैठ नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे कोई नहीं आ रहा यहाँ पर कर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में GTV लोकनायक सारे अस्पताल में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। नई स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस बीते कुछ सालों से धरती पर नहीं है। एक नई स्टडी में पता चला है कि ये वायरस बहुत पुराना है। कोरोना वायरस पिछले 25,000 साल से इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। स्टडी में खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस आज से करीब 25,000 साल पहले ईस्ट एशिया में कहर ढा चुका है। इसी प्राचीन दानव बने कोरोना वायरस के नए वंशजों ने पिछले 1.5 साल में दुनिया भर में 30 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। कोरोना वायरस ने जिस रफ्तार से भारत में लोगों को मारा है, उससे दुनिया सन्न रह गई है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कोरोना वायरस पिछले 25,000 सालों से इंसानों को कैसे मारता आ रहा है। स्टडी में बताया गया कि रिसर्चर्स की टीम ने 25,000 साल पुराने कोरोना वायरस को ढूंढने के लिए दुनिया भर की 26 अलग अलग जगहों के 2,504 लोगों के जीनोम की जांच की, तो पता चला कि कोरोना जैसे पैथोजेन इंसान के DNA में नेचुरल सिलेक्शन करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। गौर करने वाली बात यह है, ये स्टडी इंसानों के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भविष्य में किस प्रकार के वायरस आ सकते हैं या फिर वो किन लोगों को संक्रमित करेगा। टीवी लेके आए तो यहाँ पर कोरोना का जांच किया, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं, बोल रहे हैं बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, रोड पे खड़े हैं, कहीं भर्ती भी नहीं ले रहे हैं, क्या करें बताइए। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा, उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे, और कल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा, और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर तांडव देख एक बात साफ हो चुकी है कि कोरोना से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि कोरोना की कई घातक लहरें फिर आए। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि हमें इस 25,000 साल पुराने कोरोना वायरस से छुटकारा कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अस्पतालों की मनमानी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया। कोरोना को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश ये कि लक्षण है तो आप एडमिट कीजिए, RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं उस पर ध्यान नहीं देना है। अभी बड़ा आदेश है दिल्ली हाईकोर्ट का, बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी भर्ती किया जाए। भर्ती करने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है, अस्पतालों का पॉजिटिव रिपोर्ट मांगना गलत है। इससे पहले ये देखा गया कि जब अस्पताल तक मरीज पहुंचे तो रिपोर्ट हाथ में होने के बावजूद उन्हें भर्ती नहीं किया गया, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर सिर्फ लक्षण है, अगर स्थिति गंभीर है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती किया ही जाए।
ऑक्सीजन का आपातकाल, मदद को आई दुनिया। वैक्सीन के लिए विदेशी मदद, स्वदेशी वैक्सीन का बजा डंका। भारत की मदद करो, दुनिया को बचाओ। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखकर पूरी दुनिया डरी हुई है। भारत में रोजाना 3.5 लाख से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, जबकि हजारों लोगों की मौत हो रही है। अस्पताल फुल है, ऑक्सीजन गुल है, जिसके कारण मौत के आंकड़ों पर लगाम लगाने में केंद्र और राज्य सरकारें फेल हो रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी काम आई है। दुनिया के कई बड़े देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन इसके पीछे भी बाहरी देशों का अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। उन्हें डर सता रहा है कि अगर अभी भारत की मदद नहीं की तो उन्हें वैक्सीन कौन देगा। कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ब्रिटेन भारत की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटेन ने 600 से ज्यादा उपकरण भारत भेजने की घोषणा की है। ब्रिटेन की तरफ से पहली खेप मंगलवार को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। ब्रिटेन से भारत 9 कंटेनर आएंगे, जिनमें 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर्स होंगे। क्या है कोरोना को हराने के इस जंग में यूके भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। सिंगापुर ने भी भारत की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। सिंगापुर से 500 बाईपैप, 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे मेडिकल सामान भारत पहुंच चुका है। सऊदी अरब 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर और 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत भेजने की तैयारी में। इसके अलावा 5000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी सऊदी अरब भारत को देगा। दुबई ने भी भारत की हर संभव मदद करने का वादा किया है। दुबई से 6 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर भारत पहुँच चुका है। अमेरिका ने भी भारत की मदद के लिए 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा है। इन देशों के अलावा फ्रांस और जर्मनी भी मदद के लिए आगे आए हैं। फ्रांस आने वाले दिनों में ऑक्सीजन वेंटिलेटर भेजने की तैयारी में है। जर्मनी भी मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर और दूसरे मेडिकल सप्लाई भारत भेज रहा है। भारत की मदद के पीछे विदेशी देशों का अपना स्वार्थ भी छिपा हुआ है, क्योंकि कोरोना से उन्हें सिर्फ वैक्सीन ही बचा सकती है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन बनाने वाला देश है। भारत अब तक दुनिया के 60 देशों को कोरोना की 6000 करोड़ से ज्यादा स्वदेशी वैक्सीन देकर मदद कर चुका है। भारतीय वैक्सीन सस्ती और असरदार है। दुनिया में 60% वैक्सीन भारत में बनती है। विदेशों में बने कोरोना की वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में हो रहा है। ऐसे में बाहरी देश भारत की मदद कर दुनिया की सेहत को ठीक रखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर 1 मई से भारत में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब तक वैक्सीन लगेगी और उसका असर होगा, तब तक हम रोज जिस तरीके से हजारों की मौत हो रही है उसको कैसे रोकेंगे। ऑक्सीजन भी सर खत्म हो रही है और पेशेंट को सीरियस हालत है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट पड़ी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हर दिन मरीज मर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो हैं, लेकिन उसमें भरने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कोरोना वायरस का कहर सांसों का ऐसा संकट है कि सरकार के भी हाथ पांव फूल गए हैं।
अस्पतालों के अंदर और बाहर के हालात साफ दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। कह रहे हैं मंत्री मंत्री होगा, उनकी माओ को बैठ दे रहे हैं, उनके बेटों को बैठ दे रहे हैं। हम पागल है, जनता मर जाए क्या? खाली उनकी माँ है, हमारी माँ नहीं है, हम लोगों की माँ नहीं है क्या? यहाँ लेके आई इन्होंने, पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और कल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए भारत के पास विकल्प बहुत ही सीमित है। या तो पूरे देश में लंबा लॉकडाउन लगाया जाए, तो ये हमारे जैसे गरीब देश में संभव नहीं है, या फिर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जाए ताकि कोरोना से हो रही मौतों को रोका जा सके। इस वक्त सरकार भी वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दे रही है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन 1 मई से पूरे देश में युद्ध स्तर पर लगाने की तैयारी की जा रही है। 18 साल से ऊपर हर नागरिक के लिए वैक्सीन लगवाना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। अगर हम पिछले 24 घंटे के सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देश भर में 24 घंटे में 3,52,991 नए केस सामने आए, जबकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 2,812 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब तक 1,95,123 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इस वक्त देश में 28,13,658 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कोरोना से मौत की सुनामी को रोकने के लिए फिलहाल हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाएं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। यानी कोवैक्सीन और कोविशील्ड आने वाले वक्त में हमारी जिंदगी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही दिल्ली के लिए थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेगी 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है और अब दिल्ली वालों को 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलने जा रही है। ये ऑक्सीजन जीवन रेखा कही जा सकती है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली पहुंचने वाले हैं अब। और दिल्ली को इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो ऑक्सीजन की है, क्योंकि हर दिन अस्पतालों के बाहर कैसी स्थिति है, मरीज दम तोड़ रहे हैं। डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है। नोटिस अस्पतालों की तरफ से जारी किया जा रहा है, अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि हमारे पास बैकअप खत्म हो गया है। ऐसे में बहुत बड़ी राहत दिल्ली को मिलने वाली है। और आइए आगे आपको दिखाते हैं स्टेट टॉप 10। यूपी के ललितपुर में प्रेमी प्रेमिका के फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। दोनों का शव गांव के बाहर पड़े पेड़ से झूलता हुआ मिला है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। नगला बर्दमन के पोलिंग बूथ नंबर 132 पर बदमाशों ने फायरिंग कर मतदान पेटी को लूटने की कोशिश की। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में निर्माणधीन ओप्पो मोबाइल कंपनी के बाहर मजदूरों ने जमकर के हंगामा किया। मजदूरों ने कंपनी पर पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं देने का आरोप लगाया। मजदूरों ने चाइनीज कंपनी पर कोरोना काल में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महराजगंज में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंप कर्मी से 8 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पंप कर्मी बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार लुटेरों ने कुछ किलोमीटर दूर जाकर बाइक छोड़ दी और उसके बाद फरार हो गए। पुलिस बाइक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। राजस्थान के झुंझुनू में केबल से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर के सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरा। केबल के बंडल के झटके से ड्राइवर का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के उदयपुर के मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में कबाड़ में भीषण आग लग गई, जहां आग इतनी भयावह थी कि दूर से इसकी लपटें दिख रही थी। आग के चलते पूरे इलाके में काला धुआं छा गया। दमकल के करीब 15 गाड़ियों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 5 खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट और आगजनी की थी और इस हमले में 2 जवान भी शहीद हो गए थे। पकड़े गए सभी नक्सलियों पर लाखों रुपए का इनाम है। बिहार के औरंगाबाद के नबी नगर में अचानक आग लगने से 7 घर जलकर राख हो गए। आग से करीब 12 लाख की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग के चलते घरों में चल रही शादी मातम में तब्दील हो गई। उत्तराखंड के चमोली में खेत में गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर गांव
पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने शव को कब्जे में लिया है। गुलदार के शरीर पर घाव के कई निशान मिले हैं। वन विभाग के मुताबिक दो गुलदारों के बीच में खूनी संघर्ष के कारण गुलदार की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान फल सब्जियों की दुकानें हफ्ते में तीन दिन ही अब खुल रही हैं और इस वजह से यहां दाम दोगुने तक पहुंच गए हैं। तो वहीं फल सब्जियों के सड़ने से दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा है। भोपाल की एक सब्जी मंडी से देखिए हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। तो जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू बढ़ता जा रहा है, चुनौतियां भी लोगों के सामने बढ़ती जा रही हैं। भोपाल की तस्वीर आप देखिए, सब्जी मंडी में इस वक्त हम हैं बिट्टन मार्केट में, और यहाँ पर सब्जी जैसे जैसे आ रही है, उसकी आवक बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अभी का समय अगर आप देखेंगे तो कोरोना कर्फ्यू भोपाल में बढ़ा दिया गया है, और उसी का ये नतीजा कि यहाँ पर सब्जी के दाम भी बढ़ गए हैं। सब्जी लेने के लिए ज़रूर लोग आ रहे हैं। भैया, अभी तक की जो स्थिति है, सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं? अब सब्जी के दाम इस वक्त दोगुना हो गए। दोगुने जी, हर चीज के दोगुना हो गए। और इस वक्त लॉकडाउन का हर आदमी फायदा उठा रहा। जो चीज अगर 20 रुपए की आती थी नॉर्मल तरीके से, वो अब 40 की मिल रही है। डायरेक्ट किसान चला रहा है, डायरेक्ट किसान बेच रहा है अब सब्जी, कोई व्यापारी नहीं बेच रही है, पर किसान खुद 10-20 रुपए महंगी दे रहा है इस वक्त। ये कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं, कुछ और सब्जी लेने में। आंटी, आपको सब्जियां महंगी मिल रही हैं पहले से? ज्यादा बता रहे हैं, बहुत हो गए भैया। 10 रुपए किलो टमाटर थे, 20 रुपए, 30 रुपए अदरक, 20 रुपए की आधा किलो थी, आधा किलो, अब 20 की पाव दे रहे हैं। ये डबल रेट हो गया, डबल बिल्कुल। फल भी यहाँ पर बिक रहे हैं, चाहे तरबूज हो या फिर पाइनएप्पल हो। यहाँ विटामिन सी को लेकर भी संतरे की कमी हम देख रहे हैं, संतरे के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। भैया, फलों को लेकर क्या स्थिति है? फलों को लेकर फल आ ही नहीं रहा, बाहर का पूरा फल आ रहा था, तो फल अभी इस वक्त है नहीं, बहुत खराब स्थिति है फल की, फल मिल नहीं रहा। 300-400 रुपए किलो से फल कोई सा नीचे नहीं है। एप्पल देखिए 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो है। कोरोना कर्फ्यू है, उसका पालन करना जरूरी है, लेकिन जो सब्जी मार्केट है और जो फल विक्रेता है, उनके सामने भी अब चुनौती आ गई है। उनकी सब्जियां, फल खराब हो रहे हैं, और अभी तक की जो तस्वीर है, आगे और भी स्थिति भयावह हो सकती है। महंगी सब्जियां आपको मिलेंगी जो आपके घर का बजट बिगाड़ देंगी। कैमरामैन कैलाश के साथ मृदुल शर्मा, बिट्टन मार्केट, भोपाल। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में केवल इतना ही।